हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगी सरकार में मंत्री, योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। सिद्धार्थनाथ सिंह, 16 में से 13 यानी डिस्टिंक्शन के साथ योगी जो हैं पास होते नजर आ रहे हैं। जी, एक ये अच्छे परिणाम आ रहे हैं और दिखता है कि पिछले 8 महीने में एक, मैं हमेशा कहता हूं कि 8 महीने या साल भर हमेशा कम होता है, मगर ये दिशा एक सरकार की आती है, उसकी नीतियां, उसकी नीयत सामने आती है और योगी जी की सरकार और योगी जी का नेतृत्व सामने आया है और उस पर एक मोहर लगी है। तो जो एक 2014 से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो एक लहर चली है, 2017 में भी हमने चुनाव, विधानसभा के चुनाव में देखे, नगर इकाई में भी दिख रहा है, तो ये अच्छे शुभ संकेत हैं 2019 के लिए भी। मगर आपके लिए कहीं ना कहीं एक हल्की सी जो चिंता के संकेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं कि जिस तरह से आगरा में बीएसपी आगे, मथुरा में बीएसपी आगे, झांसी वाले बेल्ट में बीएसपी आगे, ये क्या बता रहा है अपने आप में सिद्धार्थनाथ सिंह? देखिए, ये अब कहीं आप विधानसभा के भी चुनाव देखेंगे तो 19% मायावती जी को मिले थे, बीएसपी को मिले थे। ये उन्हीं का पॉकेट है जहां पे वोट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, उनके वोट का, तो इसलिए ये रिजल्ट दिख रहे हैं। मगर जहां तक कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं तो इनको, छोटे पॉकेट्स को छोड़ दें, मगर एक प्रकार की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है और इस दफे मोहर इस चुनाव के अंदर जो नगर इकाई का चुनाव है, ये पहली दफे हो रहा है कि विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा गया है और भारतीय जनता पार्टी ने, विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने, विकास को ही मुद्दा बनाया, न जाति न धर्म, और कहा कि विकास कहीं आपको, हम लोग ने करना जो शुरू करा, आपको ठीक लगता है तो हमें आप जरूर जी। तो मेरठ, आगरा, झांसी, 3 पर बीएसपी आगे सिद्धार्थनाथ सिंह जी। मगर 2019 के लिए जो एक महागठबंधन की जमीन विपक्ष तैयार कर रहा है, अगर यहां पर उस तरह का महागठबंधन होता तो संभवतः तस्वीर बिल्कुल पलट सकती थी। यह आपके लिए चिंताजनक संकेत है? देखिए, राजनीति में क्या कल होएगा या एक हफ्ते के अंदर होता है, मैं कहने उसको बहुत बड़ा पीरियड मानता हूं, मगर एक चीज जरूर साफ होती जा रही है कि जो एक नारों के आधार पर होता था कि गरीबी हटाओ का नारा या जाति का या धर्म का जो नारा लगता था, उसपे सरकारें बनती थी या गिरती थी, वो एक दौर उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया है। विकास के नाम पे बनेगी सरकार और परफॉर्मेंस के नाम पे सरकारें बनेंगी। सिद्धार्थनाथ जी, मेरे साथ कई और मेहमान भी है जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, साथ आ जाएंगे तो आपसे कई और सवाल भी करना चाहते हैं। अरविंद मोहन, आप सिद्धार्थनाथ सिंह से सवाल करना चाहते हैं कुछ? ये चार कोने का मुकाबला आपको सूट किया या अपोजिशन को सूट कर रहा है? बीजेपी तैयारी तो काफ़ी किए हुई थी, लेकिन हमें लग रहा है कि चार कॉर्नर कंटेस्ट में दलित और मुसलमान जैसे एकजुट हो रहे हैं, बीजेपी के लिए भारी चुनौती हो जा रही है। तो क्या आपको भी जमीन पे ये दिखाई दिया? देखिए, ये सब एक स्टेटिस्टिक्स होती हैं, मगर क्या चुनाव में काम करता है क्या नहीं करता, मुझे लगता है कि विधानसभा का चुनाव मैं देखता हूं और मैं नगर इकाई का देखता हूं तो विकास और सुशासन ही काम आया है। जातियां तो हमेशा रहती हैं और रहेंगी उत्तर प्रदेश में या बिहार जैसी राज्यों के अंदर, मगर विशेष रूप से दबाव जब रहता है एक विकास का रहा है, और जब विकास का रहता है तो 30% के ऊपर जहां पोलिंग होगी, मेरे को लगता है वहां पे भारतीय जनता पार्टी को हमेशा फायदा मिलेगा और कोई भी समीकरण आप उसमें और जोड़ना चाहेंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह, आप चीज को मानेंगे कि मैदान में खुद योगी आदित्यनाथ उतरे थे, विपक्ष की तरफ से ना अखिलेश यादव मैदान में थे ना मायावती मैदान में थी, तो एक तरह से कहा जाए विपक्ष का जो उम्मीदवार था वो अपने दम पर था और बीजेपी के पास योगी थे? नहीं, देखिए, ये तो उनकी कमी है, वो अपने नेतृत्व को उतार नहीं पाए या वो उतरना नहीं चाहते थे। हमारे नेतृत्व का को भरोसा था कि हमने जो 8 महीने में काम किया है, हमारी जो लोकप्रियता है, हम उसको जनता के बीच में लेके जाएंगे। और हमारा ये भी एक और मानना है जो योगी जी ने अपने भाषणों में भी कहा है
कि विकास के नाम पे लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, मगर जो रोजमर्रा की जिंदगी से जो जीते हैं वहां पे विकास क्यों नहीं मुद्दा बनता है? चलिए सिद्धार्थनाथ जी, और सवाल है यशवंत देशमुख का चुनाव। यशवंत देशमुख मेरे साथ हैं, उनका सवाल है। नेतृत्व की कमी है। ठीक है, यशवंत देशमुख का सवाल है। सिद्धार्थ भाई, बधाई तो दी जा सकती है आपको, लेकिन एक मेरा सवाल थोड़ा सा तिरछा है आपसे। 2014 में 70 के ऊपर पहुंच गए आप संसद में जी, और 2017 में आते आते 300 के ऊपर आप पहुंच गए विधानसभा में। अब जो नतीजे लोकल इलेक्शन में दिख रही हैं, हो सकता है ग्राम वाले जो नतीजे आए वहां पर भी सब कुछ आपके पक्ष में जाते हो सकता है, संभावना हो शाम तक हो। सवाल ये है, अगर ऊपर भी आप, बीच में भी आप और नीचे भी आप, तो एंटी इनकम्बेंसी जब बिल्ड होगी तो अब किसके सर पे आप ठीकरा फोड़ेंगे 2019 में, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी? मेरा बहुत सीधा सवाल है कि अब जब सब कुछ आप ही आप हैं तो जनता की नाराजगी अब आप ही आप पे निकलेगी, इससे आप कैसे निपटेंगे? देखिए, इसमें ये चुनौती भी है मगर ये अवसर भी है। कहीं जो पार्टी सुशासन को अपना पहला कदम या पहला लक्ष्य मानती है, सिद्धांत मानती है, तो हमें इसकी दिक्कत या चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। और मुझे लगता है, अब मैं पहली दफे विधायक बना हूं, मुझे जो दिख रहा था कि जो नीचे लेवल पे जो काम करना होता है उसमें पार्षद या सभासद आपका हो तो उसमें बहुत सिद्धार्थ जी मैं एक मिनट के लिए रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए मैं सीधे रुक करना चाहूंगा अपने सहयोगी अनुराग का। अनुराग, बिल्कुल अभिसार, यहां आंकड़ा तेजी से बदला है। 16 सीटों में से अब 14 पर बीजेपी आगे है और 2 पर बीएसपी, और ये नतीजा, ये जो रुझान बदला है, ये मेरठ में बदला है जहां बीएसपी आगे थी, अब वहां से फिर से एक बार बीजेपी आगे हो गई है। मेरठ में बीजेपी फिर आगे हो गई, अभी का स्कोर 14 और बीएसपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। एक नतीजा आया है मथुरा से जहां बीजेपी जीती है। विसार, बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं मेरठ में मुकाबला बहुत दिलचस्प है। अशोक वांखड़े, सिद्धार्थनाथ सिंह से आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। मैं ये पूछना चाहता था सिद्धार्थ सिंह जी कि ये लोकसभा चुनाव में मोदी लहर चली, विधानसभा चुनाव में मोदी लहर चली, आप इस चुनाव में भी जो आपको बंपर सक्सेस मिला है, ये क्या मोदी लहर को ही मानते हैं कि बरकरार है? देखिए, मोदी जी का इम्पैक्ट हमेशा हर चुनाव में रहेगा, मगर एक विश्वास भी जो है, जो लोकसभा के चुनाव में हुआ था उसमें हमारी सरकार नहीं थी, मगर एक विश्वास था कि मोदी जी के आने से और भारतीय जनता पार्टी के आने से एक अच्छा सुशासन मिलेगा, भ्रष्टाचार कहीं रुकेगा। वो 3 साल में उसका रिजल्ट हम लोग ने विधानसभा में भी देखा। अब विधानसभा के चुनाव के बाद एक नेतृत्व उत्तर प्रदेश को भी मिला है, जिसका एक एडेड एडवांटेज और बहुत बड़ा उसका एक वेट पड़ता है, जो नगर इकाई में पड़ा है वो हम लोग को सामने दिख रहा है। तो एक सुशासन और नेतृत्व की कमी ना होना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत लाभदायी दिख रहा है। सिद्धार्थनाथ सिंह, ये बताइए मुझे, क्या इन नतीजों को, अगर ये 14-2 बना रहा, क्या इससे आप भुनाएंगे गुजरात में भी? मुझे लगता है कि हमें उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जैसे मित्र हैं जो इसको अपने आप ही इसको ट्रांसलेट कर देंगे, क्योंकि राजनीति में और जो जो रिजल्ट्स आते हैं उसको एक्सप्लोरेट जो करा जाता है तो इसी प्रकार से किया जाता है, और बनना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर नगर इकाई, और उसका अच्छे रिजल्ट आने का मतलब है कि गुजरात या कहीं भी चुनाव हो वहां पे इसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थनाथ सिंह। वैसे हम बता दें कि जनता जो है वो एक तरह से परिवर्तित करेगी आपकी जीत में गुजरात में भी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।